हेलो दोस्तों, मैं हूं किशोर और किशोर मिक्स आर्ट्स चैनल में आप लोगों को स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। पिछले वाले एक वीडियो में मैं एक ट्रेनर प्लेन फ्लाई किया था। उस प्लेन के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दोस्त ने मुझे पूछे थे कि भाई इसका डायमेंशन बताओ। तो मैंने सोचा कि इस प्लेन का डायमेंशन के साथ साथ बिल्ड वीडियो बना देते हैं, तो उसी को सोच के मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो ये जो वीडियो होगा, तो उस वीडियो में मैं 3 पार्ट में भाग करके इसको बनाएंगे। जो पहले वाले जो पार्ट होगा, उस पार्ट में मैं दिखाएंगे कि किस तरह से एक विंग्स बनाया जाता है, इस प्लेन का विंग बनाया जाता है। और दूसरे वाले जो पार्ट होगा, उस पार्ट में हम फ्यूजलेस को बना के दिखाएंगे। और तीसरे वाले जो पार्ट होगा, उसमें सारे वायरिंग्स का सर्वो और मोटर कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो इस सीरीज़ में तीन वीडियो देखने के बाद आप एक अच्छी तरह से एक ट्रेनर प्लेन बना पाओगे। तो वीडियो को देखते रहिए। और उससे पहले, अभी तक मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के अंदर जरूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं विंग्स का डिज़ाइन का प्रिंट आउट निकाल लिया है और उसको फटाफट काट लेते हैं। काटने के बाद फेविकॉल के मदद से उसके सनबोर्ड के ऊपर एक 4 mm सनबोर्ड के ऊपर इसको चिपका दे रहे हैं। और चिपकाने के बाद चाकू से उसके लाइन के बराबर काट लेते हैं। काटने के बाद तो थोड़ा घिसके चेक करना होगा। इस तरह से घिस के इसको ठीक करना है और इसके ऊपर कारपेंटर टेप लगा देना है, क्योंकि जब हीट वायर कटर से जब थर्मोकोल को काटेंगे, सनबोर्ड को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इसको लगाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से और एक बनाइए। ये 9 इंच है इसका कॉर्ड। मैंने इसके ऊपर लिख दिया पेन से 9 इंच। ये बाद में भी मेरे को काम आ सकता है। मैं थर्मोकोल का सीट ले लिया है। ये मछली ले जाने वाली जो थर्मोकोल की जो होता है पेटी होता है, उसी से मैं इसको लाया हूँ। इसको काट के मैं बनाया। फिर ये थर्मोकोल के दोनों तरफ इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद हीट वायर कटर से उसके थ्रू धीरे धीरे सरका नीचे की तरफ सरकाइए और ये इस तरह से कट जाएगा। फिर इसको ठीक से घिसिए। घिसने के लिए जो सैंड पेपर में यूज़ करता हूँ वो 220 नंबर का यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो 200 से 400 के अंदर
कोई भी ले सकते हो। इस तरह से जब तक ये वो पूरी तरह से चिकना ना हो जाए तब तक घिसते रहिए। जब तक इसके ऊपरी भाग चकाचक ना हो जाए तब तक घिसिए। ठीक इसी तरह से और एक बनाइए और उसको भी सैंड पेपर से घिस के इस तरह का बना लीजिए। फिर इस दोनों को, इस दो थर्मोकोल को एक साथ हॉट ग्लू की मदद से जोड़ देंगे। इसको जैसे कि मैं डायमेंशन के पेपर में दिखाया है कि एक इसका एक एक विंग्स सरफेस लेवल लेवल सरफेस के ऊपर रखना है और एक तरफ सरफेस से 5 इंच ऊपर उठना चाहिए। इस तरह से लगाइए। फिर 1-1.5 मिनट इसको ठंडा होने के बाद उठाइए। फिर इसके चारों किनारे को थोड़ा सा राउंड शेप देने के लिए एक कोई भी पेन या मार्कर से इसको इस तरह से मार्क कर लीजिए। फिर बाद में इसको नुकीले चाकू से काट दीजिए। फिर इस तरह से काट दीजिए। सैंड पेपर से हल्का हल्का से घिस दीजिए इसको थोड़ा और फिनिशिंग लाने के लिए। चारों तरफ को घिस दीजिए इस तरह से। अब इसका इस विंग्स का
एलिडोन बनाएंगे, डायमेंशन देख के इसके ऊपर लाइन मार्क कर लीजिए। जैसे कि इंच के दोनों तरफ दो दो इंच करके मिडिल में 4 इंच छोड़ के दो मार्क कर लीजिए। ये जो एलिडन होगा ये इसका चौड़ाई है 1.5 इंच और लंबाई है 20 इंच 20 इंच, इस तरह से मार्क कर लीजिए। इस तरह से मार्क करने के बाद अब ये चाकू से दोनों एलिडन को लाइन के बराबर बिल्कुल काट लीजिए। काटने के बाद जरूर ध्यान रखिए कि ये कोई नुकसान ना पहुंचा पाए आपको, आपको हाथ या पैर में, आपका हाथ पैर में ना लग सके, थोड़े से ध्यान रख के करिए। इस तरह से काट दीजिए। अब थोड़ी सी घिस लीजिए सैंड पेपर से।
विंग्स के तरफ भी थोड़ी सी घिस लीजिए। अब कटे हुए एलिरन को एलिरन के निचली भाग में इस तरह से थोड़ी सी एक मार्किंग करके थोड़ी सी कट लीजिए, क्योंकि जब एलिरन नीचे की तरफ जाए अच्छी तरह से मूवमेंट हो सके, इसलिए थोड़ी सी इस तरह से कट लीजिए। दो एलिरन को इसी तरह से कर लीजिए, ये वाला एलिरन को भी कर लीजिए। इसके बाद
इस एलियन के नीचे कंट्रोल हॉर्न इस तरफ कंट्रोल हॉर्न को लगाना होगा। वो पुराना, आप पुराना वाला कंट्रोल हॉर्न को भी खरीद के ला के लगा सकती हो, और मेरे पास नहीं था इसलिए मैं पुराना वाला एटीएम कार्ड या फिर मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड में जो सिम कार्ड खरीदने के टाइम पे जो कार्ड मिलता है उसी कार्ड से भी काट के आप उस कार्ड से काट के भी आप कंट्रोल हॉर्न को निकाल सकते हो। फिर ये बाद में इसको इसके दोनों एलिडन के नीचे हॉट ग्लू के मदद से लगा दीजिएगा, और फिर उसके साथ नीचे की तरफ सर्वो भी लगाना होगा। इस तरह से दोनों दो बम्बू स्टिक को एक साथ किसी वायर से बांध लीजिए, और एक विंग्स के आगे से 3 इंच अंदर एक सोल्डरिंग आयरन से इस तरह से एक गड्ढा बनाते जाइए। इस गड्ढे के अंदर वो बम्बू स्टिक हॉट ग्लू के मदद से डाल देना होगा, इससे थोड़ा और मजबूती बढ़ जाएगी विंग्स की। इस तरह से आप गड्ढा बनाते जाइए, पहले एक मार्किंग कर लीजिएगा, फिर आप ये गड्ढा बनाइएगा, तब थोड़ा सीधा होगा। अब इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए इस तरह से। अब इस बम्बू स्टिक के ऊपर हॉट ग्लू पूरा का पूरा स्टिक पे हॉट ग्लू लगा दीजिए, और इस तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ पूरे पूरे गड्ढे में वो स्टिक को पूरी तरह से घुसा दीजिए, डाल दीजिए, और फिर ऊपर से भी और हॉट ग्लू लगा दीजिए, पूरा गड्ढा एकदम भर दीजिए। अब ये विंग्स हो गया, हो तैयार। इसके ऊपर आप आपके अपने मन के हिसाब से पेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और दोस्तों के अंदर ज़रूर शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।